डी ए स्टूडेंट्स नो वी विल डिस्कस वाट आर द गोल्स ऑफ आर्गनाइजेशनल बिहेवियर आर्गनाइजेशनल बिहेवियर के मुख्तु गोल्स होते हैं लेकिन उनमें से जो सिक्स इम्पॉर्टेंट गोल हैं वो ये आपके सामने हम लोगों ने मैंशन किए हैं जिसमें पहला है इम्प्लाई प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी कहते हैं रेशो बिटवीन आउटपुट ओवर इनपुट कि आर्गनाइजेशन प्रोड्यूस क्या कह रही है और इनपुट क्या ले रही है इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल लेबर एफ ओ एच अगर इनपुट कहीं पर वेस्ट नहीं हो रहा तो आउटपुट बेहतर होगी आर्गनाइजेशन की तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी इसको हम इंप्लाई प्रोडक्टिविटी कहते हैं एबसेंटिज्म हाउ मेनी टाइम एम्प्लॉय विल नॉट अटेंड द वर्क प्लेस विदाउट इंफॉर्मिंग और विद विदिंगिंग इसको हम एबसेंटिज्म कहते हैं कहीं एबसेंटिज्म ज्यादा तो नहीं एम्प्लॉय की अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ही और शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज हर जॉब टर्न ओवर हाउ मैनी इंप्लाईज वुड लाइक टू लीव दर्गनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इसको बेटा टर्न ओवर हम बोलते हैं सिटीजनशिप बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन का अपने स्टेक होल्डर के साथ क्या बिहेवियर है जॉब सेटिसफेक्शन ऑर्गेनाइजेशन अपने इम्प्लाई को किस हद तक सेटिसफाइड रखती है रिगार्डिंग सैलरी पे प्रमोशन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन ग्रोथ इसके अलावा हेल्थी वर्किंग एनवाइट इंटरवॉर्ड मोटिवेशन ये सब चीजें जॉब सेटिसफेक्शन के पार्ट होते हैं वर्क प्लेस मिस बिहेवियर समाइम आर्गनाइजेशन में देखा गया है कि सुपरवाइजर सब आर्डिनेट को अच्छा बिहेव नहीं करता बल्कि मिसबिेव करता है दिस इज़ नॉट गुड इस तरह ऑर्गेनाइजेशन के जो काम हैं वो मुतासर होंगे और वो जो इम्प्लाई है उसके अंदर एबसेंटिजम वाला बिहेवियर डेवेल्प होगा और चांसिस है कि वो टर्न ओवर का भी बॉयस बन जाए इम्प्लाई प्रोडक्टिविटी इज़ अ परफॉर्मेंस मैद एफिशेंसी एंड इफेक्टिवनेस अब ये स्टेटमेंट जो आपके लिए हमने लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इम्प्लाई प्रोडक्टिविटी है वो उसकी इफेक्टिवनेस को शो करता है यहाँ पे बेसिकली मैं दो टर्म में आपको बताना चाहता हूँ एक डी स्टूडेंट्स होती है एफिशिएंसी एक होती है इफेक्टिवनेस इफेक्टिवनेस ये है कि हमारे पास दो इम्प्लाईज़ हैं इम्प्लाई ए और इम्प्लॉय बी हमने उन दोनों को कहा कि आपने पाँच पेंसिल बनानी है और सौ मटीर सौ रुपये का मटीरियल दोनों को दे दिया दो घंटे टाइम दे दिया इम्प्लॉ ए ने सौ रुपये का मटीरियल यूज़ करके नंबर टू जो उसको रिसोर्सेज दिए दो घंटे टाइम दिए उसमें उसने पाँच पेंसिल बना दी तो वो इफ़ेक्टिव एम्प्लॉ है अब जो एम्प्लॉय बी है उसने ट्वेंटी मिनट सेव किया टाइम और एटी रुपीज़ मटीरियल यूज़ किया और ट्वेंटी रुपीज़ का मटीरियल सेव किया और ट्वेंटी रुपीज़ हमारे सेव किए और उसने टेन या ट्वेंटी मिनट टाइम सेव किया तो दैट इम्प्लॉय बी इज़ एफिशियंट एम्प्लॉय तो कोशिश करें पहले तमाम एम्प्लॉई को अफेक्टिव एम्प्लॉई में कन्वर्ट कर दें जब सारे इफेक्टिव हो जाएं तो फिर उसको एफिशिएंसी की तरफ लेके जाएं तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम्प्लॉ प्रोडक्टिविटी का टर्न ओवर वली भी होती है अनवोलेंटेली भी होती है आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आप छोड़ के चले जाते हैं अनवोलेंटेली आप ऑर्गेनाइजेशन के जो बहुत हैं उनके बिहेवियर से तंग हैं इस वजह से आप छोड़ के जाना चाहते हैं तो ये अनवलेंटेली टर्न ओवर भी कहला सकता है अब ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर की एग्जाम्पल देखा जाए एग्जाम्पल ऑफ गुड ओ सी बी इनक्लूड्स हेल्पिंग अदर्स ऑन वन वर्क टीम वॉल्टरली फॉर एक्सटेंडिंग जॉब एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इम्प्लॉ अपना काम खत्म कर लेता है इम्प्लॉय बी की हेल्प करता है एम्प्लॉई सी की हेल्प करता है टॉप मैनेजमेंट की हेल्प करता है तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर की तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल जो मुकम्मल जो वर्किंग एनवायरमेंट है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में डिवेल्प किया जा सकता है जॉब सेटिसफेक्शन रेफर्स टू एन एम्प्लॉय जनरल एटीट्यूड टू वर्ड इज हर जॉब अब ये जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ डी स्टूडेंट पे है परफॉर्मेंस है एम्प्लॉय की yes, वर्क मोटिवेशन है, है, है या इसके अलावा उसकी प्रमोशन है एक्सट्रेंज रिवार्ड है है या रिलेशन विद सुपरवाइजर है सुपरवाइजर रिलेशनशिप विद सबॉर्डिनेट है ये सारी चीज़ें मिलकर एम्प्लॉय का एक एटीट्यूड डिवेल्प करती हैं और एक एम्प्लाई का जो एटीट्यूड जॉब की तरफ होता है उसे जॉब सेटिसफेक्शन कहते हैं वर्क प्लेस मिस बिहेवियर इज एनी इंटेंशनल इंप्लाई बिहेवियर दैट इज पोटेंशियली हार्मफुल टू ऑर्गेनाइजेशन एक इम्प्लाई ऑर्गेनाइजेशन में फिट नहीं है मिस फिट है तो उसका बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा सकता है इंप्लाईज़ बिहेवियर मस्ट फिट विद इन दर्गनाइजेशन बिहेवियर इन दिस वे ही परफॉर्म ड्यूटीज़ इन अ बेटर वे एटीट्यूड्स आर अवेलुएटेड एटीट्यूड्स एंड जॉब परफॉर्मेंस एटीट्यूड्स आप कैसे सोचते हैं कैसे थिंक करते हैं कैसे प्रोसेस के ऊपर काम करते हैं एटीट्यूड आर अवेलुएटिव स्टेटमेंट्स फेवरेबल और अनफेवरेबल ये फेवरेबल भी हो सकती हैं अनफेवरेबल भी हो सकती हैं कंसर्निंग ऑब्जेक्ट पीपल आर इवेंट्स दे रिफ्लेक्ट हाउ एन इंडिविजुअल फील्स अबाउट समथिंग वेन अ पर्सन सेज आई लाइक माई जॉब दिस इज द एटीच्यूड ऑफ दैट पर्सन

कि जब आपका अच्छा एटीट्यूड होगा अच्छा बिहेवियर होगा तो आपकी बेटर परफॉर्मेंस होगी दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड परफॉर्मेंस